दोस्तों, हम लोगों ने पिछले पार्ट में देखा था कि गुप्ता जी के बोलने पर मिश्रा जी बाबा के पास जाने लगता है और इधर गुप्ता जी स्मोक मैन से बचते हुए जंगल की ओर भागते हैं, पर रास्ते में पुलिस वैन आ जाती है जिसे स्मोक मैन ब्लास्ट कर देता है। उधर मिश्रा जी को रास्ते में जंपर दिखता है जिसे लेकर गुप्ता जी के पास जाने लगता है, पर स्मोक मैन अपने जहरीले धुएं से तीनों को जान से मारने लगता है। और अब आगे की कहानी देखते हैं। स्मोक मैन बहुत खुश था क्योंकि उसके जहरीले धुएं से गुप्ता जी कुछ ही देर में मरने वाला होता है। तुम तीनों को अब कोई नहीं बचा सकता, तुम तीनों मरने वाले हो। स्मोक मैन खुशी से नाचने लगता है और इधर गुप्ता जी मिश्रा जी जंपर का हालत बहुत बुरा होने लगता है। स्मोक मैन गुप्ता जी मिश्रा जी और जंपर के मरने का इंतजार कर रहा होता है, पर तभी उसे बाइक के आने की तेज आवाज सुनाई पड़ती है। बाइक के तेज आवाज सुनकर स्मोक मैन अपने चारों तरफ देखता है, पर उसे कोई दिखाई नहीं पड़ता है। कौन हो सकता है जो बाइक से इधर ही आ रहा है, मुझे आगे जाकर देखना चाहिए। स्मोक मैन आगे जाकर देखता है तो उसे एक बाइक आते हुए दिखाई पड़ता है। ये क्या, इस बाइक में तो कोई नहीं है, ये अपने आप कैसे चल रहा है। स्मोक मैन को कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए वह वापस गुप्ता जी को मरते हुए देखने के लिए चला जाता है। ये क्या, वो सभी कहाँ गए? लगता है किसी ने उन सभी को बचा लिया, पर कौन ऐसा कर सकता है, कहीं बाबा तो नहीं। स्मोक मैन समझ जाता है कि बाबा उन सभी को लेकर यहाँ से चले गए हैं, इसलिए वह फिर से शहर को तबाह करने का फैसला करता है। गुप्ता जी, तुम मरे नहीं, इसलिए तुम्हारे बदले अब शहर के लोगों को मरना होगा। शहर के लोगों को मारने के लिए स्मोक मैन हवा में उड़ जाता है। उधर बाबा सभी को आश्रम ले आए थे और सभी को नीचे लेटा दिए थे क्योंकि स्मोक मैन के जहरीले वार से तीनों काफी कमजोर हो गए थे और ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहे हैं। सभी को वापस से ठीक करने के लिए बाबा अग्निकुंड से एक मटका निकालते हैं। बाबा मटका को उठाकर गुप्ता जी मिश्रा जी और जंपर के पास ले जाते हैं और उसके अंदर पवित्र जल की मदद से सभी को वापस से ठीक करते हैं। ठीक होते ही तीनों वापस से खड़े हो जाते हैं और स्मोक मैन का अंत करने की बातें करने लगते हैं, पर बाबा काफी गुस्से में होते हैं। गुप्ता जी, स्मोक मैन का अंत करना इतना आसान नहीं है क्योंकि इंसानों ने ही उसे जिंदा किया है और इतना ताकतवर बना दिया। हाँ बाबा, आपने बिल्कुल सही कहा, पर कोई तो उपाय होगा जिससे स्मोक मैन का अंत हो सके। गुप्ता जी, जो गलतियाँ इंसानों ने की उस गलतियाँ को सुधारना होगा, नहीं तो हम सब कभी भी स्मोक मैन को हरा नहीं सकते। तो बाबा, आपके कहने का मतलब हमें प्रदूषण को खत्म करना होगा? हाँ मिश्रा जी, पर हमें सभी प्रकार के प्रदूषण को खत्म करना होगा, तब जाकर स्मोक मैन कमजोर होगा, जिसके बाद उसका अंत भी संभव है। बाबा, इतनी जल्दी से ये सब कैसे होगा? गुप्ता जी, मुझे पता है एक ही रात में ऐसा संभव नहीं है, पर तुम सभी को अभी से प्रयास करना होगा, तब जाकर मैं शहर के लोगों को बचा पाऊंगा। शहर के लोगों को? बाबा, शहर के लोगों को क्या हुआ है? गुप्ता जी, शहर के लोगों को उसकी गलती की सजा मिल रही है, मतलब स्मोक मैन पूरे शहर में जहरीला धुआं फैला रहा है ताकि कोई भी बच ना सके। क्या, यदि ऐसा है तो बाबा चलिए, हमें स्मोक मैन को रोकना होगा। गुप्ता जी, मैं अभी स्मोक मैन को रोक लूंगा, पर कब तक, क्योंकि स्मोक मैन का अंत संभव नहीं है, इसलिए वह फिर से ऐसा करेगा और लोगों को मारेगा। बाबा, आप शहर के लोगों को एक मौका दें, मुझे यकीन है लोग प्रदूषण नहीं फैलाएंगे। गुप्ता जी और मिश्रा जी बाबा से बहुत रिक्वेस्ट करते हैं, जिसके बाद बाबा शहर के लोगों को एक मौका देने के लिए मान जाते हैं। ठीक है, मैं स्मोक मैन को रोकता हूँ, पर तब तक तुम दोनों शहर में जाओ और जहाँ भी प्लास्टिक जल रही है उसे बुझाओ। बाबा की बात मानते हुए गुप्ता जी मिश्रा जी और उसकी मदद करने के लिए जंपर साथ में शहर की तरफ जाने लगता है। स्मोक मैन, मैं आ रहा हूँ तुम्हें सबक सिखाने के लिए। बाबा अपने मन में कुछ मंत्र बोलते हैं, जिसके बाद वह गायब हो जाते हैं। इधर स्मोक मैन पूरे शहर में घूम घूम कर सभी लोगों को जहरीला धुआं से मार रहा होता है। तुम सभी मरोगे, गुप्ता जी के चलते तुम्हें मरना होगा। स्मोक मैन से बचने के लिए कई लोग भागने की कोशिश करता है, पर स्मोक मैन किसी को छोड़ता नहीं है। सभी को मारने में स्मोक मैन को काफी खुशी मिल रही थी, पर तभी वहाँ बाबा आ जाते हैं। स्मोक मैन,
तुम तो गुप्ता जी के बाबा हो ना। बहुत अच्छा हुआ तुम यहाँ आ गए, अब गुप्ता जी तुम्हें बचाने जरूर आएगा। गुप्ता जी को वापस लाने के लिए स्मोक मैन बाबा पर हमला करता है, पर बाबा अपने आप को बचा लेते हैं। बच गया बाबा, पर अब नहीं बचेगा। स्मोक मैन फिर से जहरीला धुआं से हमला करता है, पर बाबा इस बार हवा में उड़कर उस पर हमला करते हैं। बाबा के वार से स्मोक मैन छटपटाने लगता है। बाबा, मेरे सामने तुम भी नहीं टिक पाओगे। बाबा जैसे ही खड़ा होते हैं, तभी स्मोक मैन जहरीला धुआं से बाबा पर वार कर देता है, जिसके बाद बाबा कमजोर होने लगते हैं। गुप्ता जी, कहाँ हो तुम? देखो, तुम्हारे बाबा भी मरने वाला है। इधर बाबा जहरीले धुएं के चलते अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं कर पा रहे थे, और उधर गुप्ता जी, मिश्रा जी और जम्पर सभी आग को बुझाने के लिए रॉड को ले लिया था। गुप्ता जी, आपने सही दिमाग लगाया, अब रॉड जल्दी से सभी आग को बुझा देगा। रॉड जल्दी से शहर में जल रहे कचरे को बुझाने लगता है। कुछ ही समय में रॉड काफी जगह का आग को बुझा देता है, जिसके चलते प्रदूषण कम होने लगता है। प्रदूषण के कम होते ही स्मोक मैन का पावर कम हो जाता है, जिसके बाद बाबा जहरीले धुएं के कैद से बाहर आ जाते हैं। स्मोक मैन, प्रदूषण कम हो रहा है, अब तुम बचोगे नहीं। बाबा अपनी शक्ति से स्मोक मैन पर वार करते हैं, जिसके बाद वह कमजोर होने लगता है। मुझे गंदा धुआं चाहिए, नहीं तो मैं मारा जाऊंगा। अपनी जान बचाने के लिए स्मोक मैन डंपिंग ग्राउंड चला जाता है, जहां अभी भी आग जल रहा होता है। स्मोक मैन गंदे धुएं को अपने अंदर भरने लगता है, ताकि वह अपनी शक्ति बढ़ा सके, पर ऐसा होता नहीं है, क्योंकि रॉड वहां आकर अपने नाइट्रोजन गैस से आग को बुझाने लगता है। कुछ ही पल में आग बुझ जाती है, जिसके बाद स्मोक मैन अपनी शक्ति बढ़ा नहीं पाता है। स्मोक मैन, तुम्हारा खेल अब समाप्त होने वाला है। बाबा अपने बल की शक्ति से स्मोक मैन को खूब मारते हैं। बहुत मार खाने से स्मोक मैन काफी कमजोर हो जाता है, जिसके बाद वह अब भाग नहीं पा रहा था। अरे वाह, स्मोक मैन तो अधमरा हो गया है। बाबा, इसका अंत कर दीजिए, ताकि ये कभी वापस हमें परेशान ना कर सके। नहीं बाबा, मुझे मत मारो, मैं किसी को परेशान नहीं करूंगा। स्मोक मैन बाबा से जान की भीख मांगता है, पर बाबा को पता था कि स्मोक मैन सुधरने वाला नहीं है, इसलिए बाबा अपने मन में मंत्र बोलते हैं, जिसके बाद बाबा और स्मोक मैन गायब हो जाता है। ये क्या हुआ गुप्ता जी, बाबा स्मोक मैन को कहाँ ले गए? पता नहीं मिश्रा जी, मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं है। बाबा स्मोक मैन को लेकर समुद्र तट पर आ जाते हैं। स्मोक मैन, मुझे पता है तुम सुधरने वाले नहीं हो, इसलिए तुम्हें सही जगह मैं पहुंचाने वाला हूँ। नहीं नहीं बाबा, ऐसा मत करो। बाबा स्मोक मैन को समुद्र में फेंक देते हैं, जिसके बाद वह समुद्र में डूब जाता है। स्मोक मैन के समुद्र में डूबते ही बाबा वापस गुप्ता जी, मिश्रा जी के पास आ जाते हैं। बाबा, स्मोक मैन कहाँ गया? मिश्रा जी, वह सही जगह पहुंच गया है, पर यदि हम सब प्रदूषण फैलाना बंद नहीं किए तो वो वापस फिर से आ जाएगा। बाबा, हम सभी आपसे वादा करते हैं, हम सब प्रदूषण नहीं फैलाएंगे और ना किसी को फैलाने देंगे। बहुत अच्छे गुप्ता जी, मुझे तुम सबसे यही उम्मीद थी, अब चलो घर चलते हैं। तो दोस्तों, स्मोक मैन का लास्ट पार्ट आपको कैसा लगा, हमें कमेंट में बताएं। तब तक के लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।